पर पेश किया, इस्तदलाल उससे गलत किया। जैसा कि याद आ रहा है, आज के जमाने का बहुत ही मशहूर आलिम है वो, हर कोई जानता होगा, बहुत सारे लोग उनके बयान सुनते हैं। वो साहब ने एक मरतबा बयान में अपना दलील देता, वो ज़्यादातर कुरान मजीद हदीसें किताबें सब लेके बैठते हैं, पूरा टेबल भरा हुआ होता है। कुरान में इसे दलील दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के जिस्म में कैसे दाखिल हो सकता है और कैसे बातचीत कर सकता है। तो उनका ये अकीदा है कि अल्लाह ताला इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकता है, इसको हुलूल कहते हैं, अकीदे हुलूल। कि दाखिल होने के साथ साथ वो ये भी कहता कि मैं अल्लाह हूँ, इन्नी अल्लाह का दावा भी करता है। तो दलील, बोले क्या कुरान नहीं पढ़ा आपने, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा कि मूसा अलैहि सलाम जा रहे थे अपने अहले खाना को लेकर, रास्ता भी नहीं मालूम था, सर्दी भी थी। कुरान मजीद की आयत दलील दे रहे हैं, है ना, सर्दी भी थी, रास्ता नहीं मालूम था, तो एक रोशनी नजर आई, आग नजर आई, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप यहाँ रुको, मैं या तो जाकर आग ले आता हूँ या रास्ता मालूम करके आता हूँ। जैसे वहां गए तो उस पेड़ में से एक नूर निकल रहा था, आग निकल रही थी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह पहुंचे तो उस पेड़ में से आवाज आई, या मूसा इन्नी अल्लाह, अय मूसा मही अल्लाह। अब दलील दे रहे हैं इस आयत को देकर, ये कहते हैं कि जब उस पेड़ में से अल्लाह बात कर सकता तो इंसान में से क्यों नहीं बात कर सकता, है ना। ये मिसाल, इस मिसाल को मैं और क्या कहते हैं, इसकी तर्दीद नहीं करना चाह रहा हूँ, बस ये बयान करना चाह रहा हूँ कि कुरान मजीद की आयत के जरिए से उन्होंने इस्तदलाल जो किया, क्या ये सही है? दलील तो सही है, इससे मालूम हुआ कि दलाइल सही रहने के बावजूद भी इख्तलाफ हो सकता है इस्तदलाल के गलत होने की वजह से। इस्तदलाल के बहरा